और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, गरीब कल्याण योजना 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है। और 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है गरीब कल्याण योजना। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा कई और अहम फैसले लिए गए हैं। अगले 2 साल में 14,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि में ड्रोन के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तमाम अहम फैसले लिए गए हैं। 1 जनवरी 2024 से अगले 5 साल के लिए गरीब कल्याण योजना बढ़ा दी गई। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रतिमाह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपये का खर्च भारत सरकार करेगी। इससे वन नेशन वन राशन कार्ड और ये जो आपकी जो फेयर प्राइस शॉप्स है, इसका भी पूरे देश भर में हमारे जो श्रमजीवी हैं, हमारे सभी श्रमिकों को जो देश के अलग अलग कोनों में जाते हैं, उनको वन नेशन वन राशन कार्ड इसका भी लाभ मिलेगा। और फेयर प्राइस शॉप पे कहीं पे भी अपना मुफ्त का राशन ले सकते हैं।